SN Live सच सबसे आगे। सिवान में महावीर अखाड़ा के दौरान फैजान को अंकित ने मारी चाकू। महावीर अखाड़ा के दौरान चलती रही चारों तरफ लाठियां, देखते रही सिवान पुलिस। सिवान जिले से इस वक्त की बड़ी खबर उभर कर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सिवान में महावीर अखाड़ा के दौरान युवक को चाकू मारी गई। आपको बता दें कि जिले के नगर थाना क्षेत्र के शांतिवट वृक्ष से 200 मीटर की दूरी सोना टोली रोड के समीप युवक को चाकू मार दिया गया। यह पूरी घटना सिवान जिले के नगर थाना क्षेत्र के शांतिवट वृक्ष से 200 मीटर की दूरी पर सोना टोली के रोड के समीप की है, जहां गाने को लेकर हुआ विवाद में युवक को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। घायल युवक की पहचान सिवान जिले के नगर थाना क्षेत्र के नया किला निवासी मुस्तफा अली का 19 वर्षीय पुत्र फैजान अली बताया जा रहा है। दरअसल घटना के संबंध में बताया जाता है कि फैजान अली के बहनोई का जिले में साउंड का कारोबार चलता है। वहीं आपको बता दें कि महावीर अखाड़े के दौरान अखाड़ा नंबर 7 में डीजे वाले टोली पर फैजान अली बैठा हुआ था, तभी नया किला निवासी अंकित टोली पर चढ़ा और गाने को लेकर के फैजान अली के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। तभी फैजान अली के बहनोई अंकित को पकड़ लिए। अंकित के हाथों में चाकू था, इस दौरान फैजान अली के बहनोई के हाथ में चाकू लग गया। वहीं आपको बता दें कि फैजान अली के बहनोई ने बताया कि अंकित नया किला निवासी टोली पर चढ़ा और फैजान को चाकू से हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम दलबल के साथ मौके पर वारदात पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महावीर अखाड़े के दौरान जिले के नगर थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के समीप चारों तरफ जिस तरीके से लाठियां चलती रही इजीली दौरान कई लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि इस लाठीबाजी में कई लोगों का सर फट गया तो कई लोगों के हाथों में गंभीर चोटें आई। सवाल तो सबसे बड़ा खड़ा होता है कि किस जिले में जिस तरीके से डीजे पर पूर्ण रूप से बिहार पुलिस और खास करके सिवान पुलिस ने प्रतिबंध लगाया था, इसके बावजूद भी इसकी परमिशन किसने और क्यों दिया। दरअसल आपको बता दें कि सिवान SP अमितेश कुमार और जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता मीटिंग कर जिले के सभी बड़े अधिकारी को दिशा निर्देश दिया था किस जिले में किसी भी त्योहार में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके बावजूद डीजे बजती रही। ऐसी बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SN लाइव न्यूज। किडनी, हार्ट, लीवर, मूत्र रोग, फेफड़ों से परेशान, तो आशीर्वाद हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर नीलम OP सोनी अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें डॉक्टर कॉलोनी विजय हाता सिवान। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।